नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो भारत की शान है, भारत की प्रेस्टीज है, और ये इसलिए है क्योंकि ये एक कंपनी है जो कि कोई विदेशी कंपनी ने प्रमोट नहीं की, एक भारत के प्रमोटर ने ही प्रमोट की है, और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के बराबर में है, से कई चीज़ों में बेटर भी है। तो हर तरह से एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की कंपनी बनी, पर बनी एक एक बहुत अच्छी तरह से बनी, और एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली के फैमिली बिजनेस से बनी, और धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से ग्रो की, और लगातार इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको फ़ायदा भी दिया, उनके साथ कंपनी के साथ साथ अब इन्वेस्टर्स भी ग्रो किए, और करते करते कंपनी आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। पूरे हिंदुस्तान में इनके आउटलेट्स हैं, इनका एक तरह से अपने कैटेगरी में बहुत क्लियर नंबर वन है, और किचन अप्लायंसेस जिसमें आप ऑपरेट करते हैं उसमें एक हाउस होल्ड नेम है। हर तरह से अब देखी जाए तो कंपनी बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशन में है, जब पूरी रेंज है प्रेशर कुकर्स, पैन्स, नॉनस्टिक कुकवेयर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किचन के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारी रेंज इनके पास है, और हर कैटेगरी में इनका मार्केट लीडर है। 33 से लेकर 40% के करीब इनका मार्केट शेयर है अलग अलग कैटेगरीज में। तो कंपनी जो उसकी बहुत एक हम्बल स्टार्ट थी आज से कई दशक पहले, वो धीरे धीरे करके इतनी बड़ी कंपनी बनी और इतना अच्छा उन्होंने इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट किया, तो वाकई में कंपनी एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की शान है, भारत की प्रेस्टीज है। और कंपनी के जो अच्छी चीज़ ये भी है कि कंपनी के पास बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 65,000 आउटलेट्स हैं पूरे भारत में जो इसकी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और 16,000 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं जो सिर्फ इस कंपनी के प्रोडक्ट ही बेचते हैं। तो इतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांड रिकॉल भी अच्छा है कंपनी में। मैं समझूंगा कि निवेश करने का बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हाल ही में पिछले तिमाही में इनकी एक्सपोर्ट ग्रोथ काफ़ी कम रही, तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए, तो थोड़ा फॉल आया स्टॉक प्राइस में। उसके अलावा जो मिड कैप में जनरल एक फॉल आया उसका भी कंपनी के शेयर पर असर पड़ा। तो कंपनी एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दे रही है। हमारा जो टारगेट है वो यहाँ करंट प्राइस से 22% ऊपर है, और ये एक साल का टारगेट है, तो एक साल में आपको मेरे मुताबिक अगर आप निवेश करते हैं तो कम से कम 22% अपसाइड टारगेट मिलना चाहिए। और क्योंकि इस कंपनी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वेल्थ क्रिएशन का, तो अगर आप लंबी अवधि तक रुक सकते हैं तो ना सिर्फ एक साल में, अगले आने वाले कई सालों में मेरे को कोई शक नहीं कि आपकी ये कंपनी एक आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा रहेगा और आपको लगातार वेल्थ क्रिएट करेगा। एक साल में तो है ही अच्छा टारगेट, पर अगले अगर आप 3-5 साल रख सकते हैं तो रेगुलरली अच्छा ग्रोथ करने की इस कंपनी में पूरी क्षमता है। कंपनी एक डेट फ्री है, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो है वो 20% से भी ऊपर है। तो हर नज़रिए से देखा जाए कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी के प्रोडक्ट की एस्टैब्लिशमेंट, उन कंपनी का ब्रांड वैल्यू, कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, वो सब चीज़ बहुत अच्छी है। और अच्छी बात है कि डोमेस्टिक कंपनी है, तो इसमें कोई ऐसा डर नहीं कि डीलिस्टिंग होगा या MNC कंपनी रॉयल्टी के चक्कर में कुछ ज़्यादा रॉयल्टी लेने की कोशिश करेगी, तो वो को ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कंपनी को, कोई रिस्क नहीं है कंपनी को। और कंपनी जैसे मैंने बताया प्रेस्टीज है इंडिया की, और इनका जो टैगलाइन है वो हर हाउस होल्ड को पता होगा, हर हाउस होल्ड नेम है, और जो टैगलाइन है कि जो बीवी से करें प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार, वो हम सब ने सुना हुआ है, ग्रो अप करते हुए भी सुना हुआ है, आज भी हम सुनते हैं। तो जो TT के प्रेस्टीज जिस कंपनी में बात कर रहा हूँ वो वाकई में एक तरह से हाउस होल्ड नेम है, इनके प्रोडक्ट्स हर जगह यूज़ होते हैं, और क्योंकि हर रोज़ के प्रोडक्ट्स हैं ये, इनके प्रोडक्ट की जो यूजेज है वो आने वाले समय में बढ़नी है, जैसे जैसे कंजम्पशन ग्रो कर रही है इंडिया में और कंज्यूमर्स के पास और स्पेंडिंग पावर आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बढ़नी है। और मैंने समझा मुताबिक ये निवेश का बहुत अच्छा विकल्प है, और ये विकल्प आपके लिए अच्छा लाभदायक रहे मेरे को पूरी आशा है उसकी। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया, आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।